तो बच्चा मैं आपको यही बता रही थी कि एवरीथिंग इज गिवन इन द एनसीईआरटी एंड दैट ओनली एग्जांपल आप लोगों को लर्न करना है. फिर एनसीईआरटी में जो एग्जांपल एरोमेटिक हाइड्रोकार सॉरी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के जो एग्जांपल दे रखे हैं वो इन्होंने तीन दे रखे हैं, टायरोसिन, फिनाइल एलेनाइन और ट्रिप्टोफेन. तो ये तीनों आपको लर्न करने, टायरोसिन, फिनाइल एलेनाइन और ट्रिप्टोफेन. इसका न्यूमानिक्स मैंने आपको बताया था, एरोमा ऑफ पाइन टिम्बर ट्री. एरोमा मतलब एरोमेटिक है, पाइन से फिनाइल एलेनाइन, टिम्बर से टायरोसिन और ट्री से ट्रिप्टोफेन. कुछ भी आप ये लिख सकते हो. तो ये तीन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी आपको क्या करने हैं बच्चा, लर्न करने हैं जो एरोमेटिक हैं और केवल एनसीईआरटी के. नेक्स्ट, तो ये चीजें तो मैं आपको बता रही थी कि एनसीईआरटी में से एज इट इज आपको लर्न करना है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठो. अब हम लोग आते हैं आगे का करने का. तो जो अभी डिफेंस, तो जो हम लोग लेते हैं बच्चा, ओके, तो बेटा अपन लोगों ने अमीनो एसिड्स के टाइप कर लिए थे, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड इवन द एरोमेटिक अमीनो एसिड, असेंशियल अमीनो एसिड, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड और सेमी असेंशियल अमीनो एसिड. यहाँ तक हमारा अमीनो एसिड तक का कंप्लीट हो गया. आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो करना है बच्चा प्रोटीन. तो प्रोटीन जो है, सबसे फर्स्ट चीज याद रखना, प्रोटीन एक सिंपल कहे इट इज अ हेट्रोपॉलीमर, ये याद रखना सबसे फर्स्ट पॉइंट. प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है. अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे हेट्रोपॉलीमर है, तो मैं आपको कहूंगी बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से अमीनो एसिड के साथ जुड़ते हैं. अब आप कहोगे कि मैम ऑल दीज आर अमीनो एसिड, तो बच्चा ऑल दीज अमीनो एसिड आर ऑफ डिफरेंट टाइप, क्योंकि सारे के सारे अमीनो एसिड अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर. अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आना है वो ये आना है कि चलो प्रोटीन तो बहुत दूर की बात है, कि ये अमीनो एसिड एक साथ अटैच होते कैसे हैं, व्हाट टाइप ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन से प्रेजेंट होते हैं बच्चा. तो अपन ने देखा था कार्बोहाइड्रेट में तो दो ही तरह के बॉन्ड थे, एक तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. जहां पे भी याद हो ब्रांच है तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, और अगर स्ट्रेट चेन है तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था. लेकिन अगर एक ऐसे है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और दूसरा ऐसा, तो वो बीटा बॉन्ड थे बेटा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. और ये भी याद रखना जहां पे भी बीटा बॉन्ड है दैट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम, हमारी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है बीटा बॉन्ड. अब बात आती है प्रोटीन बनते टाइम कौन से बॉन्ड्स बनते हैं. तो पहले बच्चा मैं एक अमीनो एसिड बनाती हूँ, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे मैंने R लिखा, इधर H और इधर मैंने लिख दिया NH2. This is one amino acid. Now I am taking the another amino acid. So here also C double bond O OH. Here is H. यहाँ पे मैंने लिख दिया R dash. R dash और R. यानी alkyl group दोनों अलग अलग हैं. तो ये एक तरह का amino acid है. This is the second type of amino acid. और इसमें मैंने लिख दिया N H H. लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा. मैं NH2 को NHH लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि है. नो मैम. ओके, अब क्या होगा, अब हम इन दोनों के बीच में से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए,
इन दोनों के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकला तो अब ये दोनों, दिस इज वन अमीनो एसिड, दिस इज सेकेंड अमीनो एसिड, नाउ दे कंबाइन टूगेदर, दिस इज NH2, इट इज R C डबल बॉन्ड O, और ये H2O निकल गया। अब यहाँ पे बच गया NH, अब ये बच गया हमारे पास ये C, ऊपर H, नीचे R डैश C डबल बॉन्ड O OH। बॉन्ड कौन सा बना बेटा? बॉन्ड बन गया सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये बॉन्ड बना सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, दिस इज द बॉन्ड। अब इस बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड का नाम है बच्चा पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, इस बॉन्ड का क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो आप सिंपल सा आंसर दोगे C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड। कहाँ बनता है? बिटवीन द टू अमीनो एसिड। दोनों अमीनो एसिड के कौन कौन से ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है? तो आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड। हरदम याद रखना, पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा और दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप आएगा। नीट में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, पहला ऑप्शन दे दे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड एंड अमीन ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड, दूसरा ऑप्शन दे दे अमीन ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चा। ये चीज आप याद रखना, ठीक है? हरदम याद रखना, पहले नंबर का जो अमीनो एसिड होगा उसका हरदम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे नंबर का जो अमीनो एसिड होगा उसके अमीन ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड बनता है, इसलिए इस बॉन्ड को कहा जाता है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच बॉन्ड, या जिसका नाम है पेप्टाइड। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब बच्चा ये जो दो अमीनो एसिड से जो मॉलिक्यूल बना इसको क्या बोलेंगे बच्चा? नाउ इट इज कॉल्ड एज डाई पेप्टाइड। बॉन्ड बना पेप्टाइड, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डाई पेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू अमीनो एसिड। क्लियर है बच्चा ये यहां तक? यस मैम। यस मैम। अब क्या होता है बच्चा, अब ऐसे तो ये एक अमीनो एसिड जुड़ा, फिर सेकेंड जुड़ा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन, एक लंबी अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बनती जा सकती है। एक और क्वेश्चन इसी वाले में से, इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई अगर कोई डाइपेप्टाइड है या पॉलीपेप्टाइड है तो उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? तो ये याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड हरदम कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा बच्चा? अमीन ग्रुप। NH2 ग्रुप कौन सा होता है बच्चा? NH2 ग्रुप इज द अमीन ग्रुप। और अगर पूछे कि राइट हैंड साइड कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो राइट हैंड साइड इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। राइट हैंड साइड पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा बच्चा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई पॉलीपेप्टाइड है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे बच्चा अमीन ग्रुप। अगर बोले कि राइट हैंड साइड पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये चीज आपको हरदम याद रखनी है इसके लिए। ओके बच्चा, ये हो गया डाइपेप्टाइड का। अब बात आती है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं? तो पॉलीपेप्टाइड का मीनिंग, इफ देयर आर अमीनो एसिड, मैनी अमीनो एसिड्स आर अटैच, लेकिन कितने? मैनी में कुछ तो डिसाइडेड होगा ना कि कितने अमीनो एसिड अटैच हो रहे हैं पॉलीपेप्टाइड बनने के लिए। तो मोस्टली हम ये मान के चलते हैं कि इफ इट इज लेस देन 20 अमीनो एसिड है, ठीक है,
तो हम इसको पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। वैसे यूजुअली इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसके अंदर हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन ए, पॉलीपेप्टाइड चेन बी, तो उसमें अराउंड 50 या 54 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बेसिस पर भी हम उसको पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं। तो 20 और 20 से लिटिल बिट अबाव अगर लेते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं दे कैन बी 20 और 20 से अबाव भी पॉलीपेप्टाइड, बट पॉलीपेप्टाइड आगे चल के दे कैन फॉर्म अ प्रोटीन। तो पहले तो हुआ अमीनो एसिड सिंगल, उसके बाद दो अमीनो एसिड जुड़े, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड। और अमीनो एसिड जुड़े, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड। अब उनके नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग पेप्टाइड नहीं बोलेंगे, जैसे ही 6-7 से ज्यादा लंबी अमीनो एसिड की चेन बनेगी हम उसको कह देंगे पॉलीपेप्टाइड। ठीक है बच्चा, अब बात आती है यहाँ पे कि अगर हम सिंपली बात करें पॉलीपेप्टाइड से ही रिलेटेड कि भाई पॉलीपेप्टाइड विल फॉर्म प्रोटीन, कि पॉलीपेप्टाइड क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ठीक है जी, अब प्रोटीन बनता कैसे, ये तो मैंने बता दिया, अमीनो एसिड दोनों जुड़े, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बना और डाइपेप्टाइड बन गया, तीसरा जुड़ा पेप्टाइड बॉन्ड बना, ऐसे बन के प्रोटीन बन गए। लेकिन हु डिसाइड्स कि कौन से अमीनो एसिड जुड़ने हैं, हु डिसाइड्स कि कितनी लंबी चेन बननी है अमीनो एसिड, कौन डिसाइड करता है ये सारी चीजें। तो उसके लिए बच्चा क्या होता है, दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको पता है, अभी खैर सर ने वो न्यूक्लियस नहीं करवाया होगा ना आप लोगों को, है ना, चलो कोई बात नहीं, हाँ क्योंकि अभी वो नेक्स्ट चैप्टर में है, मतलब नेक्स्ट उसमें है। तो यहाँ पे आपको पता है कि न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या होता है बच्चा, डीएनए, है ना। डीएनए से एमआरएनए बनता है, जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लाता है कि किस तरह का प्रोटीन बनना है। तो डीएनए से जो एमआरएनए बनने का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है कि भाई डीएनए कौन सा प्रोटीन बनाना चाहता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस चलता है बच्चा किसके अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये एमआरएनए न्यूक्लियस में, मैंने पहले ही बताया था पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये एमआरएनए न्यूक्लियस से आ जाता है बाहर, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। आप लोग कर चुके हो गए आई थिंक सो, राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज द प्रोटीन मशीनरी। क्लियर है या मैं कुछ बताऊं इसमें बच्चा, राइबोसोम्स में? क्लियर है मैम, क्लियर है मैम। ओके, तो ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, वैसे तो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, वैसे तो नॉर्मली एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, दो सब यूनिट होती है यूकैरियोट में, एक 60S होती है और एक 40S होती है, दोनों सेपरेट रहते हैं। लेकिन जब ये एमआरएनए आ जाता है साइटोप्लाज्म में, तो ये एमआरएनए के स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाते हैं। कुछ बुक्स में इसको ऐसे दिखा रखा है, कुछ बुक्स में लार्जर सब यूनिट को नीचे और अपर ये ऐसे, कुछ भी कर लो आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच हो जाती है और फिर ये इसके पास में दो साइट प्रेजेंट होती है, वो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन ये क्या करता है, एक और आरएनए होता है जिसको कहा जाता है टीआरएनए। टीआरएनए आके इस एमआरएनए के अंदर कोडोन प्रेजेंट होते हैं, यानी कोड लैंग्वेज होती है, उस कोड लैंग्वेज को पढ़ता है, पढ़ के फिर ये टीआरएनए जाता है, कहा जाता है बच्चा साइटोप्लाज्म में ही एक पूल होता है, उसको कहा जाता है अमीनो एसिड पूल।
जहां पे ऑल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आते, सारे 20 के 20 अमीनो एसिड होते। ये क्या करता है टीआरएनए, यहाँ पे जो रीड करा, सपोज यहाँ पे रीड करा तो यहाँ पे आना चाहिए सेरिन, रीडिंग के हिसाब से कोड लैंग्वेज में होता है। तो ये जाके और अमीनो एसिड पूल से अपने साथ कोड किसको लेके आएगा बच्चा, सेरिन को लेके आएगा, और यहाँ पे आके सबसे पहले सेरिन जुड़ेगा। फिर सपोज ये आगे चला गया, यही राइबोसोम आगे जाएगा, आगे जाके इसने कहा कि भाई दूसरा अमीनो एसिड तो लाइसिन आना चाहिए, तो फिर ये दूसरा टीआरएनए जाएगा वो लाइसिन लाएगा। तो हमारे पास एक अमीनो एसिड आया पहले सेरिन, फिर आ गया लाइसिन, फिर तीसरा आया थ्रियोनिन, चौथा आया सिस्टीन, पांचवा आया फिनाइल एलेनाइन, और इस तरह से ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनती जाए एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड। और हर दो अमीनो एसिड के बीच में यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये भी, ये भी, सब बेटा कौन से बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड ही होंगे। क्लियर है बच्चा ये यहाँ तक? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके बेटा, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं दोबारा से एनसीईआरटी बुक पे ही आएंगे बच्चा। तो एनसीईआरटी बुक में बच्चा आप लोगों के, आप लोगों की फिगर 9.3 दे रखा है, उसमें क्या दिखा रखा है, ये एक डायग्राम दिखा रखा है। फिर इस डायग्राम में से उन्होंने इतने पार्ट को इधर से लेके यहां तक के पार्ट को उन्होंने मैग्निफाई कर रखा है, मैग्निफाई कर रखा है, और इस मैग्निफाइंग पार्ट में उन्होंने बता रखे हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स अटैच है। ठीक है बच्चा, तो उनमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स अटैच है, तो उनके लिए उन्होंने जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस बना रखा है, सबसे पहला सीक्वेंस बना रखा है यहाँ पे सी, ये NH, NH2 नहीं लिखा है बेटा। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमने ये पूरी एक चेन में से लिया है, तो ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है बच्चा, सी हो गया, फिर यहाँ पे CH2OH, और आपने, मैंने आपको तीन अमीनो एसिड बताए थे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दे रखा है, ग्लाइसिन, एलेनाइन और सेरिन। और मैंने आपको बताया था सेरिन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CH2OH होता है। ठीक है, तो मैं इसको ये CH2OH, यहाँ पे तो H है, ये C डबल बॉन्ड O NH, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। फिर दूसरा इन्होंने जो अमीनो एसिड ले रखा है, वो अमीनो एसिड ले रखा है सिस्टीन। ठीक है, सेकंड, तो ये तो हुआ सेरिन, सेकंड हुआ सिस्टीन। सिस्टीन के अंदर आपके ये सी डबल बॉन्ड ओ से बॉन्ड रहेगा यहाँ पे H, और यहाँ पे आएगा CH2SH, ये वाला अमीनो एसिड है बेटा सिस्टीन। ठीक है, एक मिनट, दीपिका, सिस्टीन। अब आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है बेटा, कि सिस्टीन कैसा वाला अमीनो एसिड है, सिस्टीन कैसा वाला अमीनो एसिड है, हाइड्रोफिलिक। सल्फर कंटेनिंग, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताओ, तो क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम दे रखा है, तो ये डायग्राम भी वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, कैसा अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। उसके बाद में थर्ड इन्होंने जो दे रखा है वो दे रखा है बेटा टायरोसिन। तो टायरोसिन में जो फंक्शनल ग्रुप है, यानी ये वाला जो हर एक में बेटा यही चेंज है बस,
तो फंक्शनल ग्रुप जो इन्होंने दिखा रखा है वो दे रखा है बच्चा CH2, फिर बेंजीन रिंग और फिर ये OH, CH2 से बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से OH अटैच है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हो जाता है दैट इज टायरोसिन। और मैंने आपको बताया ही था टायरोसिन कैसा वाला अमीनो एसिड है, तीन एरोमेटिक। ये हर दिन याद रखना, जो भी एरोमेटिक आएगा वर्ड कहीं पे भी केमिस्ट्री में भी, वहां पे ये रिंग स्ट्रक्चर जरूर आएगी, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर अगर कहीं पे है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं कि मैडम ग्लूकोज में भी हेक्सागोनल था, नहीं बच्चा वहां पे तो ऑक्सीजन था उसके साथ में, इसलिए वो फ्यूरानोज और पायरेनोज कहलाता है। ये बेंजीन रिंग अगर कहीं पे आती है तो इट मीन्स इट इज अ एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब दे प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इसमें एक अलग तरह की स्मेल आती है, तो ये एक एरोमेटिक हो गया बच्चा। नेक्स्ट आता है, इसके साथ में अटैच है सी डबल बॉन्ड ओ NH। नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चा, वो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, दैट इज सी के साथ में CH2 और फिर CH COOH। ठीक है बच्चा, तो CH2 एंड C, और यहाँ पे तो H आना ही है, और यहाँ पे C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से। तो ये इन्होंने एक चेन दिखा रखी है डिफरेंट अमीनो एसिड्स की, कि भाई अगर एक अमीनो, ये जो एक लॉन्ग दिखा रखा है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ मैनी अमीनो एसिड। तो यहाँ पे आपको क्या लर्न करने है, यहाँ पे आपको लर्न करने हैं, अगर मैं कहूं तो आपको ग्लाइसिन का, एलेनाइन का, सेरीन का, सिस्टीन का, टायरोसिन का और ग्लूटामिक एसिड का, इन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 अमीनो एसिड के आपको स्ट्रक्चर बाय हार्ट करने हैं नीट के लिए, बाय हार्ट करने हैं नीट के लिए। और इसी से ही रिलेटेड इसमें ये भी पूछ सकते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है, आप सीधा सीधा मारो भाई सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन है। एरोमेटिक कौन सा है, टायरोसिन ऑप्शन आ जाएगा। एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड है। दो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आपको पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। मैं ये उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि आज ही आपको याद हो जाना चाहिए, लर्न हो जाएगा, लेकिन अभी के एग्जाम्स के लिए आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। सल्फर कंटेनिंग पूछे तो ये बताना है, एरोमेटिक पूछे तो टायरोसिन या फिर वो पाइन टिम्बर ट्री है ना, वो याद रखना है, और इसमें ग्लूटामिक एसिड और एस्पैरेटिक एसिड, ये दो याद रखना। तो ये तो हो गए बच्चे अपना कि आपको अभी क्या याद रखना है वो बता। नाउ वी कम ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की अगर हम क्लासिफाई करें तो एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है बच्चा, कि यूजुअली जो फिजिशियस्ट होते हैं यानी जो फिजिक्स के होते हैं जानकार, वो यूजुअली किसी भी चीज को 2 डायमेंशन में देखते हैं, है ना, 2 डायमेंशन में देखते हैं। केमिस्ट्री वाले जो होते हैं वो उस चीज को 3 डायमेंशन में देखते हैं, लेकिन बायोलॉजी में प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 डायमेंशन में देखा गया। तो हम प्रोटीन को अगर क्लासीफाई करें तो हम उसको 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन से बच्चा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अगर हम क्लासीफाई करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेक्स्ट इज द
secondary structure of protein. Next, tertiary